गुड आफ्टरनून, नमस्ते और स्वागत है आप सभी का मेटामॉर्फोसिस एपिसोड नंबर 27 में एंड डेली व्लॉगिंग का डे नंबर 23 है। कल व्लॉग के एंड में मैंने आप सभी को बोला था कि मैं एक स्पेशल गेस्ट के साथ आज चेस्ट एंड शोल्डर ट्रेन करने वाला हूँ। इवेंचुअली आज मेरा एक लेग डे था, बट कल के फुटबॉल के गेम के बाद मेरा लेग मतलब इधर से पूरा छिल चुका है एंड मैं लेग डे नहीं कर सकता था। एंड मुझे हर्ष का मैसेज आया कि चल चेस्ट एंड शोल्डर ट्रेन करते। बाय द वे, हर्ष ने पहले व्लॉग्स में अपियरेंस किया है, तो वेलकम बैक टू द चैनल हर्ष। थैंक यू सो मच मानव, यू हैव ग्रोन रियली वेल। मैं अभी स्कूटी से आया ना, जब इसके बिल्डिंग पे नीचे मैंने इसको देखा, मैं रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया इस लेवल पे इसने, मतलब जो भी फ्रेम रहता है डिफरेंस इतना लेवल पे आया है इसमें। कंसिस्टेंसी, दैट्स व्हाट आई से। कोई आज हम चेस्ट एंड शोल्डर ट्रेन करने वाले एंड अभी हम प्री लेंगे, प्री के लास्ट दो ही स्कूप बचे थे एंड मैंने सोचा कि अभी जब हर्ष के साथ ट्रेन करेंगे तभी प्री लेंगे। आम वर्कआउट के लिए, जो भी वर्कआउट के लिए मैंने बचा के रखा, क्योंकि ये चेस्ट एंड शोल्डर्स बहुत ज़्यादा मेमोरेबल वाला चेस्ट एंड शोल्डर्स होने वाला है। तू पुश पुल लेग फॉलो करता है ना? नहीं नहीं, फोर डे स्प्लिट। फोर डे स्प्लिट, फोर डे स्प्लिट आ गया। फोर डे स्प्लिट में चेस्ट एंड शोल्डर्स के लिए क्या करता है? इंक्लाइन एंड एक फ्लाई बस, और शोल्डर के लिए ओवरहेड प्रेस और अपना लैटरल रिज, दैट्स इट। मोस्टली वर्कआउट सेम है, बट मैं आज इसको सारे मशीन जो हमारे जिम में तुम लोग ने देखे यूजुअली, शोल्डर प्रेस का मशीन, मशीन चेस्ट प्रेस, वो सारे के बेनिफिट्स बताऊंगा, क्योंकि इसके जिम में एक फ्लाई का मशीन है एंड बेंचेस मोस्टली है, क्योंकि ये बिल्डिंग के जिम में ट्रेन करता है। बाय द वे, अभी हम लोग उसके बिल्डिंग में बैठे एंड बिल्डिंग के जिम में थोड़े इक्विपमेंट्स कमी है, बट आज हम इसके साथ मस्ट चेस्ट एंड शोल्डर ट्रेन करने वाले। चल ट्राई स्कूप करते हैं एंड इसका फर्स्ट टाइम है प्री वर्कआउट लेने का एंड देखते हैं कैसा होता है। बाय द वे, हर्ष मेरे स्कूल में ही था एंड जैसे श्रीकांत मेरे स्कूल में था, हम सब सेम स्कूल में थे एंड हम सब स्किनी थे, बस श्रीकांत एक एथलीट था जिसके पास एब्स थे एंड हम उसको सबको एडमायर करते थे उसको, एंड हम दोनों एकदम सेम लेवल पे स्किनी थे एंड हम लोग दोनों ने अच्छा प्रोग्रेस किया है। इसका जिम का मेरे को, तू जब तक मैं प्री पी रहा हूँ तब तक तू मेरे को अपना जिम का स्टोरी सुना कि क्या क्या था, क्योंकि इसका जो भी स्टोरी है जिम स्टार्ट करने का, इसने लॉकडाउन में शुरू किया था, काफ़ी इंस्पायरिंग है, तो सुनो तुम। तो मैंने जिम शुरू किया लॉकडाउन में, मैं घर पे वर्कआउट करता था, फिर ऐसा प्रोग्रेस दिख नहीं रहा था, लाइक मालूम पड़ रहा था कि कुछ हो रहा है, लेकिन टू सी द रियल प्रोग्रेस आई हैव टू जॉइन द जिम। और मेरा एक ही मोटिव था कि अगर मुझे बाहर पढ़ने जाना है या कॉलेज जाना है तो मैं ऐसे ही बाहर नहीं जाने वाला हूँ, आई नीड टू हैव एन अपीयरेंस और दूर से अच्छा दिखना चाहिए। तो बस मैं घर पे झगड़ा किया थोड़ा सा, मना किया बहुत, जिम नहीं भेजेंगे, लेकिन मैं जिम गया क्योंकि कोविड था, बोल रहे थे कि बीमार हो जाएगा या कुछ भी कोविड हो जाएगा, बट मैं बस सडनली एक दिन निकल गया था जिम से और काफ़ी झगड़ा हुआ, बट दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। एंड उसके बाद थोड़ा ब्रेक आया बीच में, यहाँ पे घर लिया, तब घर बनाना था, उसमें भी ब्रेक आया, बट कंसिस्टेंसी रुकी नहीं, डिसिप्लिन रुका नहीं और डाइट एकदम स्ट्रिक्ट फॉलो करता हूँ। इसका डाइट एकदम परफेक्ट है, मतलब इसके जो भी मील प्रेप्स है वो सब पे भी आगे वीडियोस आएंगे, इससे मील प्रेप के आइडियाज़ में चुराने वाला हूँ और आप सभी को बताने वाला हूँ, क्योंकि ये जो मील बनाता है इंस्टाग्राम स्टोरीज पे डालता है, मतलब देख के अगर मैंने जस्ट खाना खाया ना उसके बाद भी देख के भूख लगने लग जाती है, इतना अच्छा बनाता है अपने मील्स को एंड अपने कॉलेज में भी कैरी करता है सारे मील्स को लेकर बहुत डिसिप्लिन है। ये बोलता है कि एग वाइट से सब लोग देख के ऐसा रिएक्शन देते हैं इसको, बट ये एग वाइट से सब कैरी करता है ताकि अपने गेंस को लूज ना करे। आज भी इवन दो आई वाज वेरी डाइसी कि शायद कॉलेज जल्दी आ जाऊंगा, बट मैं मेरे मील्स लेके गया, चार टिफिन लेके गया था, लेकिन घर जल्दी आ गया तो मैंने रास्ते में एक टिफिन खत्म किया, बाकी घर पे आके खाया। हाँ, वाटरमेलन, बॉइल्ड एग्स, रोटी, पनीर रोल्स और देयर वाज समथिंग वन मोर टुडे एक्स्ट्रा, आज आई गेस सोया राइस बचा था मेरा, कल का वो थोड़ा एक्स्ट्रा था। एंड फुल डे ऑफ ईटिंग मैं श्योरली बनाऊंगा, थोड़ा टाइम लेके बनाऊंगा, क्योंकि अच्छा क्वालिटी बनाना है मेरे को, कि जो भी मील्स है उसके पीछे का रीज़न क्या है मील लेने का एंड आपको भी फ्लेक्सिबल ईटिंग क्यों करनी चाहिए। तो चलो प्री ले लिया अभी एंड लेट्स गो फॉर द जिम। सो क्योंकि मेरा और हर्ष का स्प्लिट काफ़ी सिमिलर है तो हम लोग को कुछ ज़्यादा एक दूसरे के स्प्लिट के हिसाब से एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा एंड आज हम इंक्लाइन डंबल प्रेस पे शुरू कर रहे हैं। आज इंक्लाइन डंबल प्रेस पे 32.5 ओढ़ेगा, मतलब मेरे को प्रेटी कॉन्फिडेंट लग रहा है कि 12 रेप्स जाएंगे आज। One, two, one.
7 1 Come on, come on, all you. 8 Let's go, let's go, let's go. Come on. डंबल ही टेढ़ा हो गया भाई, 10 जाते वो डंबल टेढ़ा हो गया लास्ट में। तो हर्ष का टॉप सेट है, लेट्स गो हर्ष, ज्यादा सोच मत, जितने रेप्स जाते उतने कर। नाइस, अब नाइस, नाइस कंट्रोल, चलो अप अप, एटलीस्ट चांस चाहिए, चलो अप अप, अप अप, अप, दो और, दो और, कोई नहीं कोई नहीं, ये मेरा टॉप सेट है एंड ये मशीन पहली बार यूज कर रहा हूँ, आई थिंक बहुत तेजी है, बहुत चेक किया मैंने, ये टॉप सेट है, लेट्स सी क्या होता है। या हाय, अप कर 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 कर, चल दो और, दो और, दो और, बस 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 बस, ग्राइंड गिव अप किया पहली बार, राइट वाला गिव अप। सो मशीन शोल्डर प्रेस पे लास्ट टाइम 42.5 के साथ अच्छे क्लीन रेप्स गए थे 12, एंड आई विल ट्राई कि 45 केजीज के साथ आज वापस 12 रेप्स जाए, क्योंकि दो स्कूप प्री लिया है तो देखते हेल्प करेगा। तीन और, भाई फट गया यार। एंड मैंने हर्ष आज एक चीज सीखी कि मतलब अगर आप फेल कर देते हो तो स्पॉटर को बोलो कि आपको ऊपर पोजीशन तक छोड़ दे, जैसे मैं यहाँ तक छोड़ दिया उसने मेरे को, एंड मैं नीचे तक कंट्रोल करते करते इसेंट्रिक का जो भी गेंस रहता है वो ले लिया मैंने, इसेंट्रिक को कंट्रोल करते हुए जो भी रहता है वो किया मैंने। अभी मशीन चेस्ट प्रेस, एंड मशीन चेस्ट प्रेस हर्ष को बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये एकदम रेस्ट्रिक्टेड मोशन में आपके चेस्ट को ट्रेन करती है, कोई भी अलग फैक्टर्स इंक्लूड नहीं होते इसमें, जैसे आप ईगो लिफ्टिंग नहीं कर सकते इसमें, आपको सिर्फ अपने चेस्ट को ट्रेन करना है, बेसिकली इसका पॉइंट ही है। एंड आज हम चेस्ट के लिए मशीन चेस्ट प्रेस के लिए 30 kgs लोड किया, एंड मैंने रियलाइज़ किया कि मशीन्स पे अगर मैं ऑफ द लिमिट जाके वेट ज़्यादा इंक्रीज कर देता हूँ तो मैं फॉर्म पे बहुत ज़्यादा फक कर देता हूँ, एंड अभी 30 kgs के साथ सेट परफॉर्म करेंगे एंड लेट्स सी कितने रेप्स आते हैं। मैं इसकी बात कर रहा था, अगर मैं 35 kgs लोड करता तो मैं मे बी 8 रेप तक मैं ऐसे अपने बम को उठा के अपने लेग ड्राइव की तरफ से रेप्स परफॉर्म करता, एंड मेरा चेस्ट ट्रेन नहीं होता इनडायरेक्टली।
तो अभी हम लोग केबल फ्लाइज कर रहे हैं एंड केबल फ्लाइज में मैंने हमेशा से एक टिप दिया कि कॉन्ट्रैक्टिंग पार्ट पे आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है एंड जो भी स्ट्रेच पार्ट रहता है उस पर आपको आगे लीन करना है स्ट्रेच के अंदर, ताकि आपको जो स्ट्रेच पार्ट रहता है वो अच्छे से फील होगा। Been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, Spider-Man's control, and Batman with his fist, and clearly I don't see myself upon that list, but she said, where'd you wanna go, how much you wanna risk, I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can kiss, I want something just like this, do-do-do, do-do-do, do-do-do. I want something just like this. आज का चेस्ट एंड शोल्डर्स का ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट हो गया एंड 10-on-10 सेशन था मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरा और हर्ष का जो भी ट्रेनिंग प्रिंसिपल है वो काफ़ी हद तक सिमिलर है। एंड मेरे को एक क्वेश्चन करना है हर्ष से कि उसने आज के ट्रेनिंग सेशन से क्या सीखा, क्योंकि मैं किसी के साथ भी ट्रेन करता हूँ तो मैं यूजुअली बहुत सारी चीज़ें टेक अवे करता हूँ एंड अपने ट्रेनिंग में इम्प्लीमेंट करता हूँ उसे, तो तूने आज क्या सीखा? यू हैव पुश हार्डर, जितना भी हो सके, लाइक पुश योर लिमिट्स एंड फेलियर तक हिट करना ही चाहिए, पोटेंशियल टू अपना चेक होना चाहिए ना, वरना क्या फ़ायदा। सो मैंने इससे सबसे पहली जो चीज़ सीखी वो थी कि मतलब शोल्डर प्रेस कर रहे थे हम लोग मशीन वाली एंड उस पर इसने क्या किया कि मतलब रैंडमली मेरे को रैप के बीच में बुलाया एंड बोला कि तू मेरे को लिफ्ट अप करके दे एंड जो भी लिफ्ट अप का रहेगा वो तू मोस्टली उठाना एंड जो भी इसेंट्रिक पार्ट रहेगा, जो भी नीचे लेके आना रहेगा वेट को, मैं लेके आऊँगा। एंड उससे मैंने ये चीज़ सीखी कि अगर आप स्पॉटर के हेल्प से इसेंट्रिक पे भी लास्ट के रेप्स निकाल सकते हो तो वो आपको हमेशा बेनिफिट करेंगे। एंड सेकंड मेरे को ये चीज़ सीखने मिली कि ये फेलियर तक ट्रेन करता है, मतलब वो मैटर नहीं करता कि कौन सा सेट है इसका, चौथा सेट है या फर्स्ट सेट है, इंटेंसिटी थ्रू आउट द सेट इसकी सेम रहती है। एंड कंट्रोल, हम लोग इंक्लाइंड डंबल प्रेस कर रहे थे, मैं ऐसे रैंडमली अपने फ़ोन में ऐसा रील स्क्रॉल कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ ये बंदा कब से अपना सेट परफॉर्म कर रहा है एंड जो टेम्पो पे मैंने फर्स्ट रैप देखा था वही टेम्पो पे लास्ट रैप था इसका। एंड और क्या सीखा था मैंने, हाँ इसके साथ मेरे को रेसिपीज के वीडियोस बनाने, तो उसके लिए कमेंट डाउन कर देना, क्रेजी भाई। मैं बिल्कुल साथ में कुकिंग करेंगे अपन। हाँ एंड हर्ष भी अपना यूट्यूब चैनल चालू करने वाला है, होपफुली चालू करे तो हम एक दूसरे के साथ कोलैब कर सकते हैं। एंड इसी के साथ आज का जो भी एपिसोड था वो ख़त्म होता है। मैंने आज का एपिसोड घर पे इसके लिए शूट नहीं किया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिपीटेटिव होते जा रहा था, वही रूम से चालू कर रहा हूँ मैं व्लॉग, वही रूम में एंड कर रहा हूँ एंड आज कोई क्वेश्चन ऑफ द डे भी नहीं है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चंस है ट्रेनिंग रिलेटेड तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो नीचे वीडियो के एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। एंड मेटामॉर्फोसिस एपिसोड नंबर 27 खत्म होता है एंड डेली व्लॉगिंग का डे नंबर 23 खत्म होता है, 7 दिन और बचे हमें डेली व्लॉगिंग के जो भी काम का है। एंड अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, एक दोस्त के साथ शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, लाइक सब्सक्राइब टू मानव चैनल।